लड़कियों के इनर्स वो सफ़ेद या स्किन कलर के ही होने चाहिए, स्कर्ट की एक डेफिनेट पर्टिकुलर लेंथ ही तक ही वो होने चाहिए और डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। बॉयज़ ने एकदम बारीक कतरे हुए हैं, एकदम छोटे से बाल रखने चाहिए। ऐसा है तो गर्ल्स का आपको अगर इंस्ट्रक्शन देना हो तो आप वर्बली हमको बोलो, लेकिन ऐसे ओपनली लिख के आप, आज गर्ल्स एम्बरस फील कर रही है, वो टॉयलेटरीज को लेके रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। सेवन्थ से लेके टेंथ स्टैंडर्ड के गर्ल्स के प्रॉब्लम अलग होते हैं, नेचुरल एजुकेशन टू राइट टू एजुकेशन के अंडर हिसाब से जो नेचुरल हमारा जो है उन चीज़ों के लिए भी इन लोगों ने इतना ऐसे स्टूपिड रूल्स बना के रखे हैं। अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए तो कोई एस्कॉर्ट लेके जाएगा, अभी सेवन्थ के स्टैंडर्ड या टेंथ स्टैंडर्ड के साथ वो एस्कॉर्ट जाके क्या करेगा ये हमको नहीं पता है। ये किस चीज़ के और किस हिसाब से ये रूल बनाया गया है, क्या उनको प्रमोट करता है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सर हमको जो कुछ भी ये डायरी दिया है उसमें ऐसे जो कुछ भी रूल्स है जो कि स्कूल बोल रहा है एक ही डिसिप्लिन के लिए फॉर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, ये ठीक है सेफ्टी मेंटेन कर रहे हो पर कहाँ तक होनी चाहिए? आप उनका फंडामेंटल राइट चाइल्ड राइट्स वायलेट कर रहे हो, ये ऐसा स्कूल को नहीं लगता क्या? अगर नहीं तो ये आप हमको बता रहे हैं कि इनरवेयर्स क्या होने चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होने चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कितना आप इंटरफेयर कितने तक करोगे? और जो कुछ भी टॉयलेट्स यूरिनल्स के प्रॉब्लम है ये जो कि नंबर भी अवेलेबल नहीं है लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ जिधर भी जाते हैं सेफ्टी खुद मेंटेन करें, देन हमारे बच्चों का जो कुछ भी डिसिप्लिन सेफ्टी है वो मेंटेन करें। तो हमको ये लगता है जो कि इन्होंने रूल्स दिए, ये सब रूल्स उन्होंने जो कुछ भी दिए वो नाजायज़ हैं। फर्स्ट उनको बदले, हमको एक चार चार एफिडेविट्स भी दिए अलग अलग नाम से जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को भी फाइल करके देने हैं अलॉन्ग विथ माई नेम एंड सिग्नेचर। तो ये जो एफिडेविट्स बोल रहे हैं तो उसका अगर हम फाइल नहीं करते तो हमारे बच्चों को आज लास्ट डे था तो बाहर निकालने वाले थे। तो हमको ये साइन करके देना है कि वी आर अबाइड फॉर दिस रूल्स व्हाट एवर दे आर गोइंग टू डू।